हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज चल रहा है अभी। तो इस लेक्चर में हमारे ऑलरेडी दो लेक्चर हो चुके हैं, उनको आप देखिए। उसमें राइजिंग ऑफ इस्लाम हमारा पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर अरब अटैक ऑन इंडिया है। अभी जो तीसरा लेक्चर हमारा चलने वाला है वो है घोर ऑफ मोहम्मद। ठीक है, तो इस लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत समय वेस्ट नहीं करते और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं वो है घोर ऑफ मोहम्मद। घोर क्या है? अभी घोर एक शासन का नाम है जो कि गजनी से बाद में अलग हुआ था। गजनी एम्पायर जो था उससे अलग होकर अफगानिस्तान का जो एरिया था उसी को घोर नाम दिया गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू एग्जाम्स में लगने वाला है, जहां पर भी हिस्ट्री होता है वहां पर ये लेक्चर आपके काम में आएगा। तो मोहम्मद गोरी हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है क्योंकि इसी ने भारत के ऊपर कई बार हमले किए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमको देखना है सबसे पहले ये गियासुद्दीन बिन श्याम। तो ये गियासुद्दीन बिन श्याम कौन था? तो ये मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था। इसने घोर डायनेस्टी की स्थापना किया, घोर वंश की स्थापना किया। ये थे कौन? तो देखिए, जो श्याम थे या तो जो मोहम्मद गोरी या तो उनके भाई वगैरह जो थे, ये सब ये थे गुलाम थे। कहाँ के गुलाम थे? तो गजनी जो डायनेस्टी थी, गजनी एम्पायर जो था वहां पर ये गुलामी करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गजनी एम्पायर से अलग ये आए और अफगानिस्तान के रीजन में जो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ अफगानिस्तान है वहां पर इन्होंने घोर डायनेस्टी की खुद की डायनेस्टी अलग से स्थापित किया। ठीक है, और ये स्थापित कब करेंगे? जब इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो इनको गुलामी से मुक्ति मिल गई और इन्होंने कौन सा शासन अपनाया, कौन सा शासन बसाया? तो घोर शासन बसाया। घोर घोर मतलब अफगानिस्तान का एरिया, आपको याद रखना है। पहले अफगानिस्तान को घोर कहा जाता था। ठीक है, तो 1163 में क्या किया, 1163 ने जो मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था गियासुद्दीन बिन श्याम, ठीक है, गयासुद्दीन इसको कहा जाएगा हिंदी में, तो गयासुद्दीन बिन श्याम ने इस डायनेस्टी की शुरुआत किया था 1163 में ईस्वी में। ठीक है, तो गियासुद्दीन श्याम जो था इसने क्या किया, इसने गजनी शासन के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद फिर जो एम्पायर जो था, जो जीता था, उसने वो अपने छोटे भाई को दे दिया। मतलब किसको? मोहम्मद गोरी को दे दिया। तो आपको याद रखना है, गियासुद्दीन शाम अटैक ऑन गजनी एम्पायर, और गजनी एम्पायर को हमला करने के बाद उसने क्या किया, वो शासन मोहम्मद गोरी को दे दिया चलाने के लिए। ठीक है, तो अभी शासनकर्ता कौन बन गया, वो बन गया है मोहम्मद गोरी। ओके, देन आगे में हम बढ़ते हैं। तो 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया। देखो, ये इंडिया का मैप है, मान लो। ठीक है, ये यहाँ पर ये इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, थोड़ा बराबर नहीं निकल रहा है लेकिन आप समझ सकते हो, ये इंडिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये मान लो इंडिया है, ये ऐसा जाएगा, ये गुजरात कह रही है, राजस्थान कह रही है, दिल्ली। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर ये लोग शासन करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो था ये घोर, इसको कहा जाता था, इस प्रदेश को घोर कहा जाता था। यहाँ से भारत काफी पास में, ये पाकिस्तान कह रही है और बाद में भारत, बराबर। ठीक है, तो ये बॉर्डर लगी हुई थी उस समय घोर की भारत से। तो इन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर 12वीं शताब्दी के अंत में हमले करना शुरू कर दिया। सबसे पहला हमला मोहम्मद गोरी का होने वाला है 1175 में मुल्तान नाम की जगह पर। मुल्तान अभी तो पाकिस्तान में, लेकिन उस समय भारत में था। तो मुल्तान के ऊपर इसने हमला किया। उस समय मुल्तान के ऊपर कर्मार्थियंस जो थे, कर्मार्थ वंश के जो राजा थे, उनका शासन चल रहा था। ठीक है, तो उनको हरा दिया मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद में 1178, याद रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1178 एडी में इसने, मोहम्मद गोरी ने गुजरात के ऊपर हमला किया। और गुजरात में उस समय शासनकर्ता जो था उसका नाम था भीम द्वितीय, भीम सेकंड। ठीक है, तो भीम सेकंड ने क्या किया था, भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गोरी को भारत में सबसे पहले किसने हराया, तो वो कौन था, भीम सेकंड। और भीम सेकंड जो था ये गुजरात का शासनकर्ता था, सोलंकी डायनेस्टी का ये राजा था। ये जो इनके बीच में लड़ाई हुई, भीम सेकंड और मोहम्मद गोरी के बीच में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई को कहा जाता है कशाद की लड़ाई। ठीक है, तो कशाद नाम के जगह पर ये लड़ाई होने के कारण वो नाम उसको दिया गया है। देन इसके बाद में आपको ये पॉइंट काफी ज्यादा याद रखना है कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी भारत में
किसके द्वारा हारा था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, रेलवेज में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है डेट के साथ। तो कब हारा था, 1178 में। तो मोहम्मद गौरी की पहली हार भारत में हो चुकी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाद में उसने क्या किया, अब ये तो गुजरात के शासक से हार गया, तो इसने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। तो इसने भारत का जो गुजरात वाला एरिया था, राजस्थान एरिया था, उसको छोड़ दिया और ऊपर में हमला करना शुरू किया। ऊपर में मतलब जो पंजाब वाला एरिया है, वहां पर वहां के शासक जो थे उनके ऊपर हमला करना इसने शुरू कर दिया। और वहां पर इसने 1181 में, 1181 में उसने पंजाब के ऊपर हमला किया। उस समय खुसरो मलिक नाम का एक शासक था, ठीक है। तो वो गजनी एम्पायर से बिलोंग करता था, उसके ऊपर इसने हमला किया। हमला तो नहीं किया, हमला करने के लिए आया, लेकिन खुसरो मलिक ने अपना दिमाग लगाया। खुसरो मलिक ने क्या किया, खुसरो मलिक ने मोहम्मद गौरी को बहुत सारे आभूषण वगैरह दे दिए, आभूषण गिफ्ट्स वगैरह बोल सकते हैं, दे दिए। और लड़ाई को उसने क्या किया, अवॉइड किया कि तुम ये सब ले लो और चले जाओ, ठीक है, मुझे मारो मत या तो लड़ाई मत करो। तो उसके कारण खुसरो मलिक तो अभी बच गया, लेकिन बाद में फिर जो मोहम्मद गौरी है ये फिर से 1185 1186 में आया। देखो पहली बार पहले 1181 में आया, लेकिन उसको गिफ्ट मिल गया तो उसने लड़ाई नहीं किया, वापस चला गया। बाद में मोहम्मद गौरी फिर से 1185 86 में आया और उसी पंजाब के ऊपर फिर से हमला करके उसने क्या किया, लाहौर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। खुसरो खान को हरा दिया और लाहौर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यहाँ देखनी है, इम्पोर्टेंट बैटल्स मोहम्मद गौरी की है, तराइन का बैटल फर्स्ट और तराइन की बैटल सेकंड। और यहाँ पर रोल आने वाला है पृथ्वीराज चौहान का। ये पृथ्वीराज चौहान तीसरे थे, इनके फादर का नाम था सोमदेव विग्रहराज, ठीक है। तो ऐसे पहले पृथ्वीराज चौहान थे, दूसरे तीसरे, तो हम जिनकी बात करें वो तीसरे पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसको कहा जाता है तराइन की लड़ाई, तराइन बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, ठीक है। और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, फिर से मोहम्मद गौरी हरा। तो आपको क्वेश्चन बनता है मोहम्मद गौरी को दूसरी बार भारत में किसने हराया था, तो आपको नाम याद रखना है मोहम्मद गौरी को दूसरी बार भारत में हराने वाला कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, थर्ड, ठीक है। तो पहली बार किसने हरा था याद करो, पुरानी स्लाइड, भीम द्वितीय, जो कि गुजरात का शासक था, सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। तो इसके बाद में गजनी का जो मोहम्मद गौरी था ये काफी ज्यादा परेशान हो गया और वापस अपनी जगह वापस लौट गया, घोर एम्पायर है तो गजनी एम्पायर में वापस लौट गया, ठीक है। काफी ज्यादा वो परेशान हो गया था कि हार गया, बाद में नाराज हो गया था, बहुत सी चीजें हुई, बाद में उसने अपनी ताकत बढ़ाई, ठीक है। और ताकत बढ़ाने के बाद फिर से वो भारत में आया और पृथ्वीराज चौहान को फिर से उसने ललकारा और एक लड़ाई होने वाली है, दैट इज तराइन का बैटल दूसरा, ठीक है। अभी तराइन का दूसरा जो बैटल था इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, मोहम्मद गौरी जीत जाएगा ये लड़ाई, मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान ये लड़ाई हार जाएंगे। क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जो आजू बाजू वाले जो राजा थे, जो शासक थे, कन्नौज का राजा था जयचंद, बाद में और भी कई राजा थे, उनका सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ये लड़ाई हार जाएंगे, ठीक है। देन पृथ्वीराज चौहान जो थे, इनको कहा यह जाता है कि मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया और उनको मार दिया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने रेबेल किया था, रेबेल मतलब जिसको हम बोलते हैं विद्रोह किया था, और बाद में इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या हुआ क्या नहीं ये किसी को नहीं पता, उसके बारे में स्टोरी है, आगे में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो बैटल है, इस बैटल के बाद अब पृथ्वीराज चौहान तो हार गया। पृथ्वीराज चौहान जो थे काफी जाने माने राजा थे भारत के, काफी बड़ा इनका शासन था, अजमेर के शासक थे, लेकिन दिल्ली में भी इनका शासन चलता था। तो पृथ्वीराज चौहान काफी ज्यादा बहादुर ऐसे शासक थे, तो यही हार गए, या तो ये मारे गए, बाद में इनको मार दिया गया था, ऐसा स्टोरीज में कहा जाता है कि इनको गजनी ले जाकर इनको मोहम्मद गौरी ने मार दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं लड़ाई, या तो मर चुके हैं। उसके बाद में भारत में तुर्किश एम्पायर बसेगा, ठीक है। भारत में इस्लामिक पावर जो है वो बढ़ जाएगा और भारत में सत्ता स्थापित होने वाली है तुर्कियों की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है, तराइन का सेकंड बैटल। आपको डेट याद रखना है 1192 1191, दोनों डेट याद रखना है। तराइन का पहला बैटल बोलेगा तो 1191 किस किस के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन सेकंड का बैटल एक साल बाद, दैट इज 1192 में। 1192 के बैटल में जो मोहम्मद गौरी था वो काफी ज्यादा सेना अपनी बढ़ाकर आ जाएगा, ठीक है।
अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि तराइन बैटल फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार ही देते थे, इसका सर कलम कर देते थे, लेकिन मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी को उठाकर वो घोड़े से भाग गया, ठीक है, घोड़े से आया और उसको उठाकर भाग गया, इसके कारण मोहम्मद गोरी बच गया ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और अगली बार वो बहुत बड़ी सेना लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान को उसने क्या किया, हरा दिया और मार भी दिया, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रोल चंदन बरदे का, ये भी इतिहास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत है, क्यों, क्योंकि चंदन बरदे जो है ये कवि थे। किसके कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का, जिसको कहा जाता है पृथ्वीराज रासो। भारत भारत में हिंदी का पहला, हम इसको ग्रंथ बोल सकते हैं, एपिक बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखा गया है, हिंदी के कवि थे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, सॉरी चंदन बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की एक बुक लिखी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और पहला हिंदी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला हिंदी का लिटरेचर भी कौन सा है, तो यही है पृथ्वीराज रासो, और उसके लेखक कौन है, तो चंदन बरदाई, ठीक है। तो चंदन बरदाई जो थे, कहा यह जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब तराइन सेकंड बैटल के बाद, तराइन का सेकंड बैटल 1192 में हुआ था ना, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में, बराबर। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ले गया गजनी में, है ना, गजनी में ले गया। तो गजनी में साथ में कौन गए थे, तो साथ में कहा जाता है कि चंदर बरदाई भी थे। तो चंदर बरदाई ने, अब ये मोहम्मद गोरी जो था इसने खेल खेलना शुरू किया पृथ्वीराज चौहान के साथ। उसने कहा कि तुम बहुत बहादुर अगर हो तो, बहादुर अगर हो तो अपना परिचय दो, ठीक है। तो परिचय देने के लिए मोहम्मद गोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को एक बाण दे दिया हाथ में, धनुष दे दिया, ठीक है, और धनुष देने का आंखें वगैरह फोड़ दी थी, तो आंखों के ऊपर पट्टी थी, आंखें फूटी हुई थी गरम गरम सलाखों से। तो पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि तुम बंद आंखों से कुछ करके दिखाओ। तो पृथ्वीराज चौहान को सजेस्ट करने का काम किसने किया था, तो चंदर बरदे ने किया था। चंदर बरदे ने उस समय चार लाइन बोली, वो चार लाइन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। चार बास 24 गज, चार बास 24 गज, अंगुल अष्टप्रमाण, अष्टप्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चुकियो चौहान, मत चुकियो चौहान। देखो लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ के बता देता हूँ। चार बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुकियो चौहान। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, ये स्टेटमेंट चंदन बरदाई ने कहा था पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को इससे आइडिया आ गया, 24 गज का अंतर है, ठीक है, 8 बास के इतना, और ऊपर में सुल्तान बैठा है, उसको बाण मारना है। तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण लिया, आंखें तो थी नहीं, आंखें तो फूट गई थी पृथ्वीराज चौहान की, गरम सलाखों से मोहम्मद गोरी ने फोड़ दी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने बाण लिया और सीधा मोहम्मद गोरी को मार दिया, और मोहम्मद गोरी इसके बाद मारा गया, ऐसा कहा जाता है। किसके हिसाब से, तो पृथ्वीराज रासो, इस बुक के हिसाब से कहा यह जाता है, ठीक है, कि चंदन बरदाई ने ये स्टेटमेंट कहे थे पृथ्वीराज चौहान को। तो इससे पृथ्वीराज चौहान को आइडिया आ गया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है, सुल्तान जो डिनोट किया है यहाँ पर, वो सुल्तान डिनोट किया है मोहम्मद गौरी को। तो आइडिया मिल गया, लोकेशन मिल गया, और पृथ्वीराज चौहान ने बाण मार के मोहम्मद गौरी को मारा, ऐसा कहा जाता है। किसके हिसाब से, इस बुक के हिसाब से, पृथ्वीराज रासो के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है, और एक कवि था जिनका नाम था जयनायक, या तो जयनक उनको कहा जाता है। इन्होंने भी एक बुक लिखा है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय। देखो पृथ्वीराज रासो बोलेगा तो चंदन बरदाई, और पृथ्वीराज विजय बोलेगा तो फिर जयनायक, या तो जयनक, या तो जयनायक भट्ट भी कभी कभी आता है, ठीक है। तो ये हो गई तराइन की बैटल कंप्लीट। तराइन के बैटल के बाद में ये सारी चीजें हुई थी। अब ये प्रमाणित है नहीं है, इसके बारे में हमको सोचना नहीं है, हमारे एग्जाम में फैक्चुअल पेपर आता है, तो फैक्ट्स आपके सामने लिखी हुई है, ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में आने वाले, स्टोरी वोरी नहीं पूछता है, बस स्टोरी आपको मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते, और एक बैटल यहाँ पर होगी, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर की लड़ाई। अब ये चंदावर की लड़ाई कैसे होगी, किसके साथ होगी, देखते हैं। तो देखो मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद में 1192 के बैटल में तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे। उसके बाद में जो कन्नौज का शासक था, कन्नौज, कन्नौज का शासक था उस समय जयचंद,
तो ये जयचंद के ऊपर हमला किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। तो बैटल ऑफ चंदावर किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। अब ये जयचंद कौन था? तो जयचंद था संयोगिता का फादर, संयोगिता। अब ये संयोगिता कौन है? तो संयोगिता इज वाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, वाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, बराबर। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी कौन है? संयोगिता। संयोगिता किसकी लड़की है? जयचंद्र की लड़की है। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जमता नहीं था, इन दोनों में 36 का आंकड़ा था, है ना। तो इसलिए जब तराइन की सेकंड बैटल हुई तो जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को मदद नहीं की थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज, कहा ही जाता कि संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने भगाकर लाने के कारण जयचंद नाराज था। ठीक है, तो संयोगिता जो थी ये पृथ्वीराज चौहान को मन ही मन में चाहती थी, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उनको भगाकर लाया था। जो जयचंद थे इन्होंने क्या किया, संयोगिता का स्वयंवर रखा, लेकिन स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया ही नहीं। तो इसके कारण पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने क्या किया, संयोगिता को उन्होंने भगाकर शादी कर ली थी। ठीक है, इतिहास में प्रमाणित है, बिल्कुल प्रमाणित है। देन उसके बाद में अब 1194 की लड़ाई जो थी वो जयचंद हार गया। ठीक है, मतलब पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे वो भी ये लड़ाई हार गए। ठीक है, वाराणसी में शासन करते थे, कन्नौज में शासन करते थे, तो ये भी इसके ऊपर भी कब्जा हो गया है अभी मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को भी हरा दिया, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जयचंद को भी हरा दिया। ठीक है, तो अभी इसके बाद में भारत में पूरी सत्ता जो है वो किसकी स्थापित हो जाने वाली है? मोहम्मद गौरी की। लेकिन मोहम्मद गौरी जो है अपनी पूरी भारत में जीती हुई सत्ता किसको देने वाले है? उसके गुलाम को, जिसका नाम रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने तराइन के पहले बैटल में इसकी जान बचाई थी। आपको याद होगा तराइन का फर्स्ट बैटल, उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान मार डालते थे, इसका सर कलम कर डालते थे, लेकिन बचाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े के ऊपर से और मोहम्मद गौरी को उठाकर ले गया। ठीक है, तो इसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता यहाँ पर मिलने वाली है मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो मोहम्मद गौरी ने भारत की सत्ता जो थी वो किसको दे दी? ऐसा हम बोल सकते हैं, किसको दे दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, याद रखना। इसलिए एक नया वंश भारत में स्थापित होने वाला है जिसको नाम दिया जाएगा स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी। इसके बाद में जो डायनेस्टी बसेगी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बसाई जाएगी वो रहेगा गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो जयचंद हार चुका है, कन्नौज सीज हो गया, कन्नौज के ऊपर कब्जा हो चुका है, वाराणसी के ऊपर कब्जा हो चुका है, और मोहम्मद गौरी ने अपना शासन किसको दे दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी संयोगिता के साथ, ये अभी तो मैंने बताया। देन मुस्लिम रूलर जो थे, मुस्लिम रूलर्स जो है, शासक जो है, वो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा नाम से जानते हैं। राय पिथौरा का किला भी आपको इतिहास में देखने को मिल जाएगा राजस्थान में। देन उसके बाद में मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी की तो डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने अजमेर का जो शासक है वो नियुक्त किया था गोविंद राज को। अब ये गोविंद राज कौन थे? तो गोविंद राज पृथ्वीराज चौहान के ही सन था, मतलब लड़का था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के लड़के का नाम क्या रहेगा? गोविंद राज। तो जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी ने अपॉइंट किसको किया, राजा किसको बनाया? गोविंद राज को। ठीक है, अजमेर का राजा बना दिया। और गोविंद राज कौन था? पृथ्वीराज चौहान का लड़का था। ठीक है, लेकिन जो गोविंद राज थे इनके पास से, गोविंद राज के चाचा, गोविंद राज के चाचा मतलब हरिराज चौहान, इन्होंने सत्ता हड़प ली, मतलब ले ली। ठीक है, तो गोविंद राज जो है, गोविंद राज के अंकल कौन है? हरिराज चौहान। मतलब हरिराज चौहान किसके भाई है? पृथ्वीराज चौहान के भाई। देखो समझो, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान मारे गए, पृथ्वीराज चौहान के भाई कौन है? हरिराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का लड़का कौन है? गोविंद राज। गोविंद राज के हाथ में सत्ता आ गई, लेकिन वो किसने छीन ली? हरिराज चौहान ने, मतलब गोविंद राज के चाचा ने, मतलब पृथ्वीराज चौहान के भाई ने। ठीक है, छीन ली सत्ता। अब छीनने के बाद ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट रूलर कौन बन जाएंगे? हरिराज चौहान बन गए। ठीक है, अब उसके बाद में, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको गुस्सा आएगा, मतलब मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था तो इसको गुस्सा आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसने क्या किया? हरिराज के ऊपर हमला किया और उसको हरा दिया। इस लड़ाई से ये हरिराज इतना ज्यादा परेशान हो गया, इसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। ठीक है, हरिराज ने सुसाइड कर लिया। अब देखो पृथ्वीराज चौहान मर चुके हैं, हरिराज चौहान मर चुके हैं, तो बचा कौन है? गोविंद राज। तो नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है गोविंद राज ही अगला रूलर बनेगा। वो गोविंद राज को पहले भी सत्ता मिली थी, लेकिन हरिराज चौहान ने
उससे छीन ली। बाद में हरिराज चौहान को किसने हराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हरिराज चौहान ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो अजमेर है, अजमेर के ऊपर पूरी तरह से कब्जा किसका हो चुका है? तुर्कियों का हो चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? अजमेर के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। और राजा किसको बना दिया? हरिराज को बना दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर 1196 में ऐबक ने अटैक किया था अजमेर के ऊपर, हरिराज के ऊपर। और बाद में हरिराज चौहान ने तो सुसाइड कर लिया, और गोविंद राज क्या बने बाद में? नेक्स्ट शासक बने अजमेर के, लेकिन किसके अंडर? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर, ठीक है। देन अब इसके बाद में ये एक आपको याद रखना है, 1202 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने बुलंदखेड़ के ऊपर हमला किया, और वहां का एक राजा था परमारदी देव, जो कि चंदेल डायनेस्टी का राजा था, इसको हरा दिया। और मतलब तुर्कों का कब्जा किसके ऊपर हो चुका है? बुंदेलखंड के ऊपर भी कब्जा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में 1205 में जो कुछ जगह है, जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, बंगाल काफी ज्यादा उस समय फेमस था, तो बंगाल के ऊपर उस समय 1205 में गौरी का एक कमांडर था, ठीक है, उसने जो लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा था उसके ऊपर हमला किया, और बंगाल को भी गौरी के शासन में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद में 1205 में खोकर, जो कि खोकर प्रजाति के लोग पंजाब में शासन करते थे, जो कि मुल्तान वाले रीजन में रहते थे, तो इन्होंने क्या किया? गौरी के विरुद्ध हम बोल सकते हैं विद्रोह कर दिया था। तो उसके कारण फिर 1205 में क्या करेगा, जो मोहम्मद गौरी है वो इनके ऊपर हमला करेगा, खोकरों के ऊपर, और खोकरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देगा, मार ही देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसके पॉइंट्स हैं। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया, लाहौर जब इसने छोड़ा, तो लाहौर छोड़ने के बाद 15 मार्च 1205, ये डेट आपको याद रखनी है, 15 मार्च 1205 में इसने एक जगह है दम्यक नाम की जगह, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को मारा था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो सॉरी, पृथ्वीराज चौहान को नहीं, यहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी दम्यक नाम की जगह पर, मोहम्मद गौरी के, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में मोहम्मद गौरी जो है, इसने ये पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। खलीफा जो थे उस समय उपाधियां देते थे, सुल्तान की उपाधि इसको मिली थी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने जब लाहौर को छोड़ा, तो उसके बाद में रास्ते में 15 मार्च 1205 में इसको मार दिया गया था दम्यक नाम की जगह पर। तो कहा जाता कि खोखरों ने इसको मारा था, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो लाश है उसको गाड़ा गया था गजनी में। देन उसके बाद में इसने कब मोहम्मद गौरी ने कश्मीर के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया, असफल रहा। अब मोहम्मद गौरी का एक्चुअल नाम क्या था? हमने एक्चुअल नाम पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसको मोहम्मद गौरी नाम से ही पता जाना जाता है। तो उसका एक्चुअल नाम का नाम जो है वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। और इसका जो क्लान था वो शश बनी कहा जाता है, ठीक है, शंश बनी या तो शश बनी कहा जाता है, उस वंश का ये शासक था, ठीक है। देन इसका एक और एक गुलाम था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसके बारे में आपको याद रखना है, ये भी पॉइंट कई बार एसएससी रेलवे में पूछा जाता है। इसने भारत की जो यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पर बौद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी, जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बंगाल बिहार के पास थी, उसके बाद में नालंदा बुद्ध विहार था, सोमपुर बुद्ध विहार था, इन सब जगहों को इसने तहस नहस कर दिया था। साथ में नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होगी, काफी ज्यादा फेमस है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से जलाने का काम भी किसने किया था? इसी ने किया था, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने किया था। और बख्तियार खिलजी किसका गुलाम रहेगा? बख्तियार खिलजी गुलाम रहने वाला है मोहम्मद गौरी का, ठीक है। देन जो हमको कॉइन्स मिलते हैं मोहम्मद गौरी के, उसके ऊपर हमको इम्प्रिंट्स मिलते हैं, जो हिंदू गॉड्स है, जैसे गॉडेस लक्ष्मी हो गई, लक्ष्मी माता हो गई, बाद में राम सीता हो गए, ठीक है, इन चंद्रमा हो गया, सूरज हो गए, इन सबकी प्रतिमाएं हमको इसके कॉइन्स के ऊपर मिलती है, मोहम्मद गौरी के कॉइन्स के ऊपर इम्प्रिंट्स मिलते हैं हमको, ठीक है। देन ये जो कॉइन्स थे, इनके ऊपर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, संस्कृत और अरबी दोनों भाषा में लिखा हुआ था, और उस कॉइन को कहा जाता है दिरहम, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, मोहम्मद गौरी के हमले, 1175 में इसने मुल्तान के ऊपर हमला किया, उस समय करमार्थियंस का वहां पर शासन चलता था। 1178 में उसने गुजरात के ऊपर शासन किया, भीम द्वितीय के साथ वो क्या हुआ था? हारा था, ठीक है, कौन हारा था? मोहम्मद गौरी हारा था, और भीम द्वितीय जीते थे, ठीक है।
देन 1181 में उसने पंजाब के ऊपर हमला किया, खुसरो मलिक के ऊपर, 1186 में फिर से उसके ऊपर हमला किया, यहाँ पर हमला तो किया था लेकिन आभूषण वगैरह उसको मिल गए तो उसने छोड़ दिया था, संधि हो गई थी, और यहाँ पर 1186 में उसने हमला करके लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया था। 1191 में तराइन का बैटल फर्स्ट होगा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ, 1192 में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल होगी, तो इसमें आपको याद रखना है मोहम्मद गोरी दूसरी बार भारत में कौन से लड़ाई में हारा था, तो 1191 के तराइन के पहले बैटल में, ठीक है। देन उसने 1194 में जयचंद को हराया, 1194 में उसने बयाना नाम की एक जगह है ठीक है, वहां पर कुमारपाल पाल डायनेस्टी के शासक शासन करते, उनको हराया, और 1205 में उसने खोखर को हराया जो कि पंजाब जो है पंजाब के बॉर्डर के ऊपर, पंजाब अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर ये लोग रहते थे, इनको इसने हराया था। तो ये पूरे बैटल्स है मोहम्मद गोरी के आपको याद रखने हैं, ये हमारे नोट्स में हो चुके हैं, बस एक बार मैंने आपको रिवाइज करके दे दिया, ठीक है। ये हो गया पूरा लेक्चर, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत का लेक्चर, तो उसको हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर वही रहेगा। तो हमारे तीन लेक्चर हो चुके हैं, पहला इंट्रोडक्शन हो चुका है, इंट्रोडक्शन तो छोड़ दो, इंट्रोडक्शन के बाद पहला लेक्चर हमारा हुआ राइजिंग ऑफ इस्लाम, राइजिंग ऑफ इस्लाम के बाद दूसरा लेक्चर हमने पढ़ा था, दूसरा लेक्चर है अरब अटैक ऑन इंडिया, और तीसरा लेक्चर था ये घोर ऑफ मोहम्मद। इसके बाद में चौथा लेक्चर जो रहेगा वो दिल्ली सल्तनत की लेक्चर सीरीज चलेगी, एक लेक्चर में नहीं होगा, बड़ा टॉपिक है तो उसको पार्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।